तो मान्यवर साहब कांशीराम जी का बहन जी से कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहन मायावती जी को जो मान और सम्मान और अपने नेतृत्व दिया। मेरे बहुजन समाज के अंदर कोई भी नेतृत्व करने वाला नौजवान नहीं है। सोच एक है, मिशन एक है, लेकिन नीति एक नहीं है। नेतृत्व बहुजन समाज में से निकाले न कि घर में से अपने। सुख और चैन खो देते हैं, त्याग देते हैं, ऐसे नौजवान की हमें जरूरत है, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है बहुजन समाज को। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में मौजूद हूं। यहां पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रोग्राम है और आज़ाद समाज पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। ऐसे में रामे प्रधान जी मेरे साथ हैं और प्रभारी हैं बिहार के। क्या कहेंगे सर अभी? और आज आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? बहुजन समाज में जो इतनी सारी जो जिस तरीके से बैकफुट पर जा रहा है, जिम्मेवार किसको मानते हो? क्या जा रहा है बैकफुट पे जा रहा है, लगातार उसकी एजुकेशन ख़त्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन देश में होता जा रहा है, क्या कहेंगे इसके? जिम्मेदार भारत की सरकार है, इसकी जिम्मेदार भारत की सरकार है, जो प्रेजेंट सरकार है वो इसकी जिम्मेदार है। लेकिन क्या चाहते हैं आप, पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना यही चाहता हूँ ना सर कि जिस तरीके से लगातार आज़ाद समाज पार्टी प्रोग्राम कर रही है और तमाम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लाखों की भीड़ आ रही है, हज़ारों की भीड़ आ रही है, जितनी जन जागृति हो रही है समाज में उतनी स्पीड से उनके हक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, जो काम करना चाहिए उस काम से यानी मिशन से भटक गए। जो पार्टियाँ बनी और चल रही थी वो पार्टियाँ भी मिशन से भटक गई, इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ है क्योंकि जो हमारे हक और अधिकारों को धीरे 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 दफनाया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, जो बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए सबको समानता का अधिकार देने के लिए दिया, तो उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। उसी के लिए अगर इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी उसकी रक्षा के लिए आज रोड पे है तो वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक माननीय चंद्रशेखर साहब हैं, और वो दिखावा नहीं काम करके करते हैं, वो सिर्फ दिखावा नहीं करते। अभी उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शन को देखें जो बीते हैं, विधानसभा के हों और अभी आगामी इलेक्शन भी होने वाले हैं, लेकिन लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी है, फिर BSP भी है, तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, वो किस ओर जाए, क्या करे? एक तरफ विश्वास है क्योंकि वो पुरानी पार्टी है BSP है, एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज क्या करे, क्या देखे और किधर जाए, वो तो असमंजस में पड़ा हुआ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी से पहले भी पुरानी पार्टी थी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसकी स्थापना की थी, आपको मालूम होगा, पूरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और सभी बहुजनों को उसका पता है। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी को नई पार्टी नाम का एक पौधा जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, क्यों लगाना पड़ा? देखिए, आज के परिवेश में हमें नेतृत्व तो उसका वो चाहिए जो दुख और दर्द को देखकर सुनकर और उस पर मल्लम का लगाने का काम करें और न्याय दिलाने का काम करें। बंगलों में बैठकर न्याय नहीं मिलते हैं। अगर हमारे सदनों में कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हमें संविधान कहता है कि अपना अधिकार पाने के लिए रोड पर आना पड़ता है। आपका इशारा मायावती की तरफ? मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, आप मेरे मुंह में बोलना डालें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्लियर शब्दों में, ये मान्यवर साहब कांशीराम, अगर आप मायावती जी की बात कर रहे हैं तो मान्यवर साहब कांशीराम जी का बहन जी से कोई खून का रिश्ता नहीं था, समाज का रिश्ता था। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पंजाब से चल के उत्तर प्रदेश की बेटी को अगर मान और सम्मान दिया, और सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री, भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चार चार बार रही है, तो वो देन है मान्यवर साहब कांशीराम जी की, जिनका आज जन्मदिन भी है, और ये मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म उत्सव भी है और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी का स्थापना दिवस भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बहुजन समाज से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहन मायावती जी को जो मान और सम्मान और अपने नेतृत्व दिया, तो क्या आज भारतवर्ष के अंदर बहुजन समाज के अंदर, मेरे बहुजन समाज के अंदर कोई भी नेतृत्व करने वाला नौजवान नहीं है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है?
सबको पूरे भारतवर्ष के बहुजनों को दिखाई दे रहा है कि नेतृत्व तो अगर कर सकता है अब तो आकाश नहीं चंद्रशेखर आजाद कर सकता। लगातार अफवाहें भी उठती रही हैं चंद्रशेखर जी को लेकर कि बहन जी से मिलेंगे, लगातार चंद्रशेखर जी के द्वारा कई बार कोशिश भी की गई है बहन जी से मिलने की, आखिर दोनों लोग एक साथ आ क्यों नहीं रहे? देखिए ये तो विचारधारा दोनों की अम्बेडकरवादी है, वो भी काशीराम को मानते हैं, ये भी काशीराम को मानते हैं, मिशन उनका भी है कि बहुजन समाज सत्ता पे पहुंचे, देश का प्रधानमंत्री बने, संविधान लागू करे, दोनों चीज़ों सेम है, दोनों तरफ दोनों की सोच सही है, विचारधारा एक है, फिर आपस में एक साथ क्यों? देखिए दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है आपने कहा कि सब सोच एक है मिशन एक है लेकिन नीति एक नहीं है, नियत नहीं है। नियत अगर सही होती तो आज बहुजन समाज में से नेतृत्व दिया जाता, नेकी घर से दिया जाता। माननीय साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज में से नेतृत्व निकाला था जिसका नाम मायावती कहा है, तो ऐसे ही मायावती जी को हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि नेतृत्व बहुजन समाज में से निकाले, नेकी घर में से अपने, समझ गए ना? और क्या कहते हैं कि जिसके अंदर क्षमता है नेतृत्व करने की उसको नेतृत्व दिया जाए ना, जिसके अंदर क्षमता ही नहीं, जिसको पता ही नहीं मेरे भारत की मिट्टी की खुशबू कैसी है, वो मेरे भारत के लोगों का पसीने की बदबू कैसी, खुशबू या बदबू कैसी, आकाश आनंद को पता नहीं। अरे अरे कमाल कर दिए, जिसने बचपन से जो विदेशों में पढ़ा है उसको क्या पता मेरे भारत में कितने क्या किस तरह की जुल्म जाति होती हैं? कभी गए चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड उड़ीसा में कैसे कैसे लोग हमारे जी रहे हैं, कभी जाके देखा है क्या? जय भीम तो चिल्लाते हैं, जय भीम कैसे नारे से कुछ नहीं होता है। जैसे माननीय साहब काशीराम जी की तरह माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब आज पूरे भारत के अंदर पीड़ा को सुनते या अपना सुनो सुख और चैन खोर देते हैं, त्याग देते हैं, ऐसे नौजवान की हमें जरूरत है, ऐसे नेतृत्व की जरूरत है बहुजन समाज को। हम तो कह रहे हैं आपके माध्यम से बहन जी को समझना चाहिए और चंद्रशेखर आज़ाद को नेतृत्व देना। अगर अगर मान लो अगर चंद्रशेखर और मायावती जी एक स्टेज पर आ जाते हैं, सपोज मान लो कल्पना कर लेते हैं, क्या होगा फिर? क्या होगा? इस देश का शासक बहुजन होगा, इस देश का शासक बहुजन होगा, ये सोचना बहन जी को है, ये सोचना बहन जी को। चंद्रशेखर आजाद तो हर पल सोचते हैं, हर बहुजन समाज के पिछड़ी पंक्ति में खड़े वाले व्यक्ति के बारे में भी वो सबसे पहले सोचते हैं, ये उनकी खासियत है। चंद्रशेखर आजाद खुद नहीं बना, चंद्रशेखर आजाद को समाज ने बनाया और चंद्रशेखर आजाद इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं समाज के लिए जीता हूँ और समाज के लिए। तो बहन जी को किसने बनाया? समाज, अरे बहन जी को भी समाज ने बनाया, लेकिन बहन जी ने समाज को बुला तो दिया। अगर बहन जी याद रखते तो समाज में से नौजवान को नेतृत्व देती, जैसे माननीय साहब काशीराम जी ने समाज में से नेतृत्व दिया बहन जी को, ऐसे बहन जी को भी बहुजन समाज में से नौजवान को नेतृत्व देना चाहिए था ना, नौजवान को बहुजन समाज के नौजवानों को नेतृत्व देना चाहिए। देखिए हमारी देखिए बहन जी ठीक है अपनी जगह, बहन जी बहुजन समाज में जन्मी है, पली है, बड़ी है, समाज में करा है, हम उनके लिए कोई वो नहीं कह रहे, लेकिन जो आपने सवाल किया कि अगर चंद्रशेखर आजाद साहब और बहन मायावती जी एक मंच पर आ जाती हैं तो क्या होगा? इस देश का शासक बहुजन होगा, जो बाबा साहब ने 21वीं सदी का इशारा कह कर गए हैं, वो सपना उनका साकार होगा। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तब होगा ना, चंद्रशेखर आजाद तो करने के लिए तैयार, निरंतर चल रहे हैं, निरंतर दौड़ रहे हैं, निरंतर किसी भी प्रदेश में कोई भी घटना होती है, कोई भी समस्या होती है, निरंतर जाते हैं, घर में बैठ कर राजनीति नहीं होती है, महलों में बैठ कर राजनीति नहीं होती है। तो दोस्तों ये रामे प्रधान जी थे, बिहार के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भी हैं। आपने तमाम बातें सुनी हैं कि दो शीर्ष नेतृत्व जिनके कंधों पर बहुजन समाज की जिम्मेवारी है, एक तो निभा भी रहे हैं और दूसरे हैं वो ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं। इस बहुजन समाज को अगर शासक और सत्ता तक पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, वरना जो आज़ाद समाज पार्टी और काशीराम जी का जो सपना था देश को और बाबा साहब का जो सपना था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, वो सपना कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।